अब केजरीवाल का समर्थन? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब हम केजरीवाल का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं करते हैं कि इन्होंने दारू को लिए कहा था ना कि हाँ। एक के साथ एक फ्री है, इसलिए बिल्कुल नहीं करते। हाँ। ये सारी बातें झूठी बोलता है हमेशा। हाँ। मान लो लेडीज है महिला तो सस्ता कर देता, शुल्क कम कर देता। हाँ। अगर ये नहीं कर चीज फ्री करो, फ्री में क्या विकास होगा? हाँ। 10,000 का मोबाइल लेके घूमता है जो कबाड़ा भी बिनता है। बिल्कुल है, कोई गरीब नहीं है। आम आदमी पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। पार्टी के प्रमुख मुखिया हो। हाँ। मुखिया हो करके आप ऐसा न्याय हो रहा है, वो आप चुप्पी साधे हुए। हाँ। ये कहाँ की राजनीति है? सच चलाने वाला भी आज के समय में जानता है। हाँ। इसको किसी हालत में वोट देना ही ठीक नहीं दिल्ली के लिए। हाँ। अभी ये जेल से आए, क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, इनका सब वही खेल है। हाँ। लीपा पोती चल रही है और कहीं कुछ नहीं चल रहा। बीजेपी आने वाली, बहुमत तो ले जाएगी, इस बार जरूर आएगी। 7-10 सीट क्या है? देखो इस बार तो मेरे बीजेपी आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली की 7 सीटें, अगर लोकसभा की बात करें उनका समीकरण क्या कहता है, और उसी के साथ में अगर बात की जाए तो ऑटो चालक जिन्होंने एक वक्त था आई लव केजरीवाल के नाम से जो है, नहीं नहीं कोई नहीं खड़े रहिए, आई लव केजरीवाल के नाम से खूब समर्थन केजरीवाल जी को दिया था, अब की बार अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। 4 और 3 सीटों का इस तरीके से समीकरण बनाया गया है, लेकिन अब क्या कर लगता है, क्योंकि हाल ही में केजरीवाल के घर यानी कि शीश महल का एक मुद्दा बड़ा वायरल हुआ। उन्हीं की राज्यसभा सांसद और महिला आयोग से स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें आज विवेक कुमार की जो है गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन पहले ऑटो चालकों से बात करते हैं, क्या लगता है अब केजरीवाल का समर्थन? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब हम केजरीवाल का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं करते हैं कि इन्होंने दारू को लिए कहा था ना कि एक के साथ एक फ्री है, इसलिए बिल्कुल नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि मालीवाल जो थी महिला आयोग के अध्यक्ष थी, जब उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार करता है उसको भी छिपाता है, इसलिए जो है ये सारी बातें झूठी बोलता है हमेशा। और जो है जो जो भी सस्ता किया कि बसें फ्री की है कि हाँ। कोई फ्री नहीं करना चाहिए, शुल्क घटा देना चाहिए था, कम कर देना चाहिए था, लेकिन सबके लिए होना, सबके लिए होना चाहिए था। ये नहीं कि जो है अगर विकलांग है, दिव्यांग है तो चलो भाई उसको फ्री कर दो। हाँ। बाकी जो है टिकट को, मान लो लेडीज है महिला तो सस्ता कर देता, शुल्क कम कर देता। हाँ। अगर ये नहीं कर चीज फ्री करो, फ्री में क्या विकास होगा? हाँ। इस देश का सब कोई गरीब नहीं, गरीब क्या है, 10,000 का मोबाइल लेके घूमता है जो कबाड़ा भी बिनता है। बिल्कुल है, कोई गरीब नहीं है। वो सब अभी कहीं फ्री का मिलने लगे तो कार खड़ी कर करके लेने लगेंगे। सब गरीब, हिंदुस्तान गरीब है और उसे कोई गरीब नहीं है। अच्छा ये बात है, महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल कहते थे कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाओं को सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई, सीसीटीवी लगाए गए। अगर बसों की बात करें तो उस वक्त जो है वो सिविल डिफेंस के जो है वो वहाँ पे अधिकारी वो लोग भी बिठाए गए थे हर जगह पे, हालांकि उन लोगों की भी बाद में जो है वो उनको तनख्वाहें नहीं मिली, उनको निकाल दिया गया। लेकिन खुद की राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है जब ये सुरक्षा का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं वो जो है एक दिखावा है। हाँ। और वो बात सही नहीं है। हाँ। ये सब जो है आए दिन बराबर ऐसे ही हो रहा है, जब ये अपनी बात को ही छिपाते हैं। वो महिला आयोग की जो है एक पब्लिक के लिए वो टूट पड़ती थी, जान देने के लिए महिलाओं के लिए, हाँ धरने में बैठ जाती थी, वो निस्वार्थ भाव से करती थी। उनके साथ इतना भद्र व्यवहार किया गया कि एक महिला थी, ठीक है उससे पूछता कोई बात करना चाहिए, ये क्या कि मारपीट, ये झगड़ा। केजरीवाल का कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, और चुप्पी और साध गए। हाँ। चुप्पी साधे हुए, चुप्पी साधना कोई अच्छी बात है क्या? एक पार्टी के प्रमुख मुखिया हो, मुखिया हो करके आप ऐसा न्याय हो रहा है, वो आप चुप्पी साधे हुए, ये कहाँ की राजनीति है? इस राजनीति को तो आम पब्लिक एक रिक्शा चलाने वाला भी आज के समय में जानता है। हाँ। इसको किसी हालत में वोट देना ही ठीक नहीं दिल्ली के लिए। हाँ। दिल्ली में मतलब केजरीवाल को कहीं ना कहीं खतरा है। हाँ, बिल्कुल खतरा है केजरीवाल को, दिल्ली में पब्लिक दिखावा करती है। लेकिन ये बोला जा रहा था कि बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि ठीक चुनावों के वक्त में केजरीवाल का जेल से बाहर जमानत पे आना बीजेपी का समीकरण जो है वो बिगाड़ सकता है। नहीं बिगड़ा, ये सब एक कहने के लिए झोरा हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ। सब वोट जो है मीडियम का आदमी सब चुप है, सुन रहा है, देख रहा है नजारा कि अभी ये जेल से आए, क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, इनका सब वही खेल है। हाँ, ये कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सही वैसे ही चल रहा है, देखना। हाँ, जब अभी इलेक्शन होंगे 4 जून को सारा रिपोर्ट आ जाएगी। सुनीता केजरीवाल ने भी कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले में? हाँ, सुनीता कुछ नहीं, जबकि घर पे थी सुनीता। हाँ,
उस वक्त? हाँ घर पे थी वो, जब वो संजय सिंह ने भी कहा था उसका भी जो है घुमाओ फिराओ वाली बात कर रहे हैं। हाँ। और जबकि आम पब्लिक का आदमी भी आज कल रोज न्यूज देख रहा है, पेपर पढ़ रहा है, मोबाइल फोन में समाचार सुन रहा है, तो सब आदमी जानता है, मगर इनका ऐसा ही है, लीपा पोती चल रही है और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। अगर बात करें तो कांग्रेस का क्या समीकरण लग रहा है अब की बार राहुल गांधी की यात्रा ने कुछ असर डाला है क्या जनता पे? हाँ राहुल गांधी जो है उसका कुछ तो जो है ग्राफ बढ़ेगा, कर्नाटक है और कहीं भी है बढ़ेगा, मगर बात यह है कि मोदी को फिलहाल जो है हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो है पूरे हिंदुस्तान में जो पार्टी छाई हुई है वो कितना ही कम करेगी, कितना भी कम हो जाए, पेड़ का बहुत बड़ा जो शाखा फैल जाती है उसको कितना ही आप काटें वो खत्म नहीं हो सकती। 400 पार बोल रही है बीजेपी, 400 पार तो नहीं हो सकती, मगर बहुमत तो ले ही जाएगी, ले जाएगी पक्का बीजेपी आने वाली, बहुमत तो ले ही जाएगी, इस बार जरूर आएगी। दिल्ली की 7 सीटों में कितनी जो है लग रहा है? 7 सीटों में कम से कम 5 सीटें से मान के चलिए कि जो ले जाएगी, पक्का ले जाएगी। अगर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी वाली सीट से बोला जा रहा है, कन्हैया कुमार का पलड़ा थोड़ा भारी है ये थोड़ा, हाँ मानते हैं, क्योंकि बताऊं मनोज तिवारी जो थे ना वो कहीं कॉलोनी में, मनोज तिवारी कहीं नहीं घूमे 5 साल के पीरियड में। राम मंदिर के लिए बहुत घूमे हैं, वैसे घूमे बागेश्वर धाम बहुत घूमे, वैसे बागेश्वर धाम ने तो अपना वो रामायण किया प्रचार जो किया, मगर ये जो है कोई समस्या के समाधान के लिए या कभी कोई ऐसे कॉलोनी में गए नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाता है, बोला जरूर जाता है, मगर मोदी के बल पर ये राम मंदिर के वजह से कुछ देश के विकास की वजह से छवि जो है मोदी के नाम पे ही वोट मिल सकता है, मगर इनके देखा जाए तो इनके नाम पर नहीं मिल सकता है, इनके नाम पे नहीं मिल सकता। देखिए भैया यहाँ पे तो बिल्कुल साफ तौर पे जो है वो समीकरण को बदलता हुआ जो है वो दिखाया गया है। एक और भैया यहाँ पे मौजूद है, क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों? दिल्ली 4 सीट आ सकती है, 3 ही आएंगी है बीजेपी की, उनको हटाया, उनकी कमल जी शरावत आई है वो खतरे में है, और एक चीज़ अपनी कन्हैया वाली थोड़ी खतरे में है, और एक अपनी ये अंतराज जी कौन से गायक है वो नाम बोलिए, दो तीन खतरे में, तीन उदित राज में और चंदोली आगे बीच में, इसलिए खतरे में है। तो वहाँ से क्या लग रहा है कि उदित राज ले जाएंगे, बाजी मार जाएंगे? बस उम्मीद तो कम है बीजेपी की, कांग्रेस मिली सरकार है, कांग्रेस और ये आम आदमी गठबंधन, गठबंधन जो हुआ है उससे थोड़ा इनको नुकसान होगा। लेकिन लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जब वोटिंग होगी तो जहाँ जहाँ पे गठबंधन से जो है वो लड़ रहे हैं जो बीजेपी वाले हैं उनको, तो उनके लिए तो साफ तौर पे 7 सीटों का उनका जो है वो निशान होगा वोटिंग पे, लेकिन गठबंधन वालों के लिए कहीं पे झाड़ू नहीं होगा, कहीं पे हाथ नहीं होगा, क्या लगता है एक जनता जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जनता है वो समझ पाएगी कि यहाँ पे समीकरण हो रखा है, यहाँ पे गठबंधन है? वही जनता को जागरूक करना कि दोनों मिल गए हैं बहुत वक्त लगने वाली बात है। देखो सब पब्लिक को सब पता है कि गठबंधन हो गया दोनों में आपस में, जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ आम आदमी पार्टी है तो आम पार्टी को वोट देंगे, जहाँ आदमी नहीं है वहाँ कांग्रेस को वोट देंगे, तो जिसको दो जी वोट देते थे वो एक ही वोट देंगे, तो खुद तो फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा। क्या लगता है अंकल जी? हाँ जी, क्या लगता है दिल्ली की 7 सीटों की बड़ी चुनौती बनी हुई है? 7 सीटें क्या है, देखो इस बार तो मेरी बीजेपी आएगी। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार को आना चाहिए जो देश के लिए काम करे? अभी तो मोदी से बेहतर कोई है नहीं, अभी आप कह रहे हैं काम ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मोदी से बेहतर इसलिए नहीं है, तो बेहतर है तो फिर हटाने सामने अभी सपा है उन पर गुंडे का निशान लगा हुआ है, मायावती उन पर भ्रष्टाचार का वो लगा हुआ है, कांग्रेस है, कांग्रेस का भी ये सड़क पे उतरे ही नहीं कभी, ये कह रहे सड़क पे नहीं उतरी है, 4000 की जो है किलोमीटर यात्रा करके राहुल गांधी, अकेला राहुल गांधी क्या करेगा, मकमल के कद्दों में बैठे रहते हैं, इसलिए भैया अभी तो जो है बाहर तो मोदी की है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।